हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीओके प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो बात करते हैं यहाँ पर क्रिकेट का महाकुंभ, इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। कुछ मैच भी हो गए, हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टूर्नामेंट के 16वें मैच की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मैच आपको 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम के YSR रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, टेम्परेचर 27 डिग्री रहेगा, ह्यूमिडिटी 75% रहेगा। वहीं बात करते हैं इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 159 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 133 है। अब अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कोलकाता 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे दिल्ली 7 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात करते हैं पहली टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने इस टूर्नामेंट में लगातार 2 जीत के साथ टीम स्टार्ट किया। टीम ने लास्ट गेम में जहाँ पे आरसीबी को उसके घर में ही हराया था, यहाँ पे ओपनिंग में आपको फिलिप्स और सुनील नारायण को चांस मिला था, दोनों ने बेहतरीन रन बनाए थे। टीम का पावर प्ले इन दोनों से ज़्यादा रन चाहिए। वहीं नंबर 3 पर जहाँ पे वेंकटेश अय्यर ने भी 50+ रन बनाए थे, मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे श्रेयस अय्यर ने मैच को फिनिश किया था, वहीं लोअर ऑर्डर में जहाँ पे हिटर रिंकू सिंह और एंड्रे रसेल ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बॉलिंग में आपको मिचेल स्टार्क, जो कि अब तक बहुत महंगे साबित पड़ रहे हैं, जहाँ पे हर्षित राणा टीम के टॉप विकेट टेकर है, उन्होंने अब तक 5 विकेट लिए हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में सुनील नारायण जो टीम को सफलता दिला सकते हैं, यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती अब तक बेअसर दिखे हैं। अब बात करते हैं केकेआर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फिलिप सॉल्ट है, वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा, रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, एंड्रे रसेल है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, अनुकूल रॉय है, मिचेल स्टार्क। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि फिलिप सॉल्ट है, एंड्रे रसेल और हर्षित राणा है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट रहा, टीम अपने दोनों मैच हार गई, लेकिन लास्ट गेम में टीम ने जबरदस्त कमबैक करते हुए चेन्नई को हरा दिया। टॉप ऑर्डर में जहाँ पे डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ने स्टार्ट किया था, दोनों ने अच्छी बैटिंग कर और रन भी बनाए। नंबर 3 पर जहाँ पे कप्तान पंत बैटिंग करने आए, उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेलते हुए 50+ रन बनाए, जहाँ पे मैचल मार्स जो कि अब तक सब ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे अभिषेक पोरेल और टिस्टन स्टब टीम को बैलेंस करेंगे। बॉलिंग में बात करें तो टीम टारगेट सेव किया था पिछले मैच में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका प्रेसर एंड्रीज नॉर्जी जो कि लास्ट मैच में बहुत महंगे पीट गए थे, वहीं मुकेश कुमार ने बस 21 रन देकर 3 विकेट लिए थे। जहाँ पे खलील अहमद पेस अटैक को लीड करेंगे, वहीं टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जो कि विकेट ले रहे हैं। अब बात करते हैं डीसी का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, टिस्टन स्टब्स है, ऋषभ पंत है, अभिषेक पोरेल है, अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, खलील अहमद है, एनरिस नॉट है जी। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि डेविड वार्नर है, ऋषभ पंत है, खलील अहमद है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आज का टॉस विनर यहाँ पे कोलकाता होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आज का मैच विनर यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की अगर पिछले मैच की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग दोनों देखने को मिला, तो यहाँ पे कोलकाता को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल का साथ बना रहे, हमारे चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।